Dear aspirants, welcome to KIC UPSC Civil Services Examination Oriented Current Affairs Review and Analysis. दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लाया है जो टिपिकल एग्जाम ओरिएंटेड है. जीएसटी काउंसिल इसने कोविड की हेल्थ कॉज को सच में मास्क पहना दिया या नहीं पहनाया. अभी फिलहाल तो पहले हम देख लेते पोजीशन क्या है. पोजीशन ऐसी है दोस्तों कि कंफर्म कोविड केसेस अभी 24 जून के देखते हैं, 24 जून के, तो मोर देन 3 करोड़. इंडिया का पोजीशन है मोर देन 3 करोड़. पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है, जस्ट आफ्टर द अमेरिका. ये देखो एशिया के कॉन्टेक्स्ट, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखे तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो कितना बहुत ज़्यादा है. ये यदि स्पेस हम इससे कंपेयर करें, देखो ब्राजील से भी बहुत ज़्यादा है. इधर तो यूरोप के कंट्री से तो हम सोच ही नहीं सकते, जो बहुत ही कम है. इवन यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बहुत, मतलब नेक्स्ट थोड़ा सा कम है. यदि नेक्स्ट पोजिशन डेथ के बारे में, कोविड के डेथ के बारे में, तो हम जो है थर्ड नंबर पर आते हैं, है ना, आफ्टर ब्राजील. काफी कुछ एरिया हम कवर करते हैं. यदि नए केसेस जो है, न्यू डेथ केसेस यदि हम देखें ऑन द डेट ऑफ 24 जून, तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं जस्ट आफ्टर द ब्राजील. यानी हम कोविड के सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफी असफल रहे हैं, यही इससे दिखता है. अब ये हो गया कोविड का माहौल. अब कोविड के कॉस्ट का माहौल कितना रहता है, उसकी कॉस्ट जो है उसका माहौल क्या है? तो मयंक बथवाल जो है सीओ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का स्टेटमेंट ही रिफ्लेक्ट करता है कोविड की कॉस्ट. अब कोविड की 15 दिन की जो है ट्रीटमेंट की कॉस्ट कहते वो दिल्ली में कि 1.5 लाख तक एवरेज में चली जाती है, बढ़ जाती है 8 लाख तक, एक्सट्रीम केसेस में 25 लाख तक भी जाती है. तो आप समझ सकते हो ये कोविड की कॉस्ट है. आप सोचो कितनी हाई कॉस्ट है, ये है ना, एकदम से हाई कॉस्ट है. फॉर अ कॉमन मैन इट्स बियॉन्ड द पॉकेट, बियॉन्ड द पॉकेट. उसको तो मरना ही है भाई, ये 25 लाख कहां से देगा, बराबर है. अब इंडिया टुडे क्या कहता है, इंडिया टुडे भी सेम कहता है कि भाई हायर हेल्थ स्पेंडिंग बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, और साथ में ये कहता है कि टैक्स कंसेशन ना रहने के वजह से बहुत सारे हाउस होल्ड को हिटिंग हो रही है. ये अपने 27 मई 2021 के आर्टिकल में इंडिया टुडे कहता है. यानी टैक्स जो है ज्यादा होने की वजह से जो है कॉस्ट बढ़ गई है. एसबीआई रिपोर्ट क्या कहता है, तो एसबीआई रिपोर्ट कहता है कि रूरल एरिया भी जो है काफी कुछ अफेक्टेड हो गया है. रूरल कोर जो है इट वॉज इंक्रीज्ड इन अप्रैल 2021 टू 6.39%. और ये जो रूरल कोर इन्फ्लेशन बढ़ गया उसका मेजर कॉज है हेल्थ इन्फ्लेशन. अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है हाउस होल्ड की वो कम हो गई है, स्क्वीज, बराबर है. अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज अ मेन फैक्टर टू क्रिएट द डिमांड इन मार्केट. मार्केट का डिमांड क्रिएट करते हैं, इट इज अ की टू द कंट्रीज इकोनॉमिक रिवाइवल. वो खत्म हो गया है. इन द अब्सेंस ऑफ टैक्स कंसेशंस एंड हायर हेल्थ केयर कॉस्ट, लैक्स ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया आर लाइकली टू बी अ लॉट पुअरर, गरीब होने वाले हैं. दैट मीन्स द हेल्थ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन नियर फ्यूचर, एसबीआई रिपोर्ट कहता है. यानी हम क्या देख रहे हैं कि कोविड की कॉस्ट की मार जो है ये इंडियंस पर जबरदस्त बरस रही है, और उसकी वजह से इंडियंस बेहाल है. अंडर दिस बैकड्रॉप हम देख लेते हैं कि ये जो जीएसटी है उसने क्या रोल निभाया है, उस पर रिव्यू ले लेते. दो काउंसिल के बारे में सोचते हैं, 43rd और 44th जीएसटी काउंसिल. 43rd जीएसटी काउंसिल ने जबरदस्त डिसीजन ले लिया, बोल्ड डिसीजन ऑन द 28th मई 2021 मीटिंग. एक्सटेंशन इन द डेट ऑफ द एग्जम्पशन, एक्सपांड द एम्बिट ऑफ द मोड ऑफ रिलीफ मटेरियल फॉर डोनेशन, मोर इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड आइटम्स इंपोर्टेड फॉर डोनेशन पर्पस. एग्जम्पशन मिल गया है, डेट बढ़ गई है 31st August तक, यानी राह मिल गई है. 3 मई को जो है एग्जम्पशंस की डिसीजन ले लिया, IGST से एग्जम्प्ट हो जाएगी. दूसरा है एम्बिट बढ़ा दिया गया है,
पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में जो इंपोर्ट किया जाता था डोनेशन के लिए, अभी पेमेंट के बेसिस पर भी जो इंपोर्ट किया जाएगा लेकिन डोनेट किया जाएगा गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी को, तो ये IGST जो है ना, वो माफ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस जो है वो इंडिया में आने के आसार है। ज्यादा डोनेशन मतलब ज्यादा राहत, कोविड जो है इसकी केसेस कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को काफी कुछ सपोर्ट होगा और बहुत ज्यादा कॉमन मैन जो है उनको राहत मिलेगी। उसके बाद जो है लिस्ट जो है वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोविड जो है उसके कॉस्ट के साथ अभी पोस्ट कोविड कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गई है। पोस्ट कोविड कॉस्ट में मेजर इश्यूज आए कोविड के वजह से, जो है बहुत सारे डिसीज जो है वो अफेक्ट हो रहे पेशेंट्स को, जिसमें ब्लैक फंगस जो है ना, ब्लैक फंगस अभी माहौल बना रहा है। ब्लैक फंगस के साथ बाकी भी फंगस आ गए हैं लेकिन ब्लैक फंगस माहौल बना रहा है। इसी वजह से पहले लिस्ट के साथ एम्फोटेरिसिन बी भी ऐड कर दिया गया है डोनेशन में जब इंपोर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 43rd GST काउंसिल जो है इसने बहुत बोल्ड डिसीजन लेके इंडिया को कोविड केसेस कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर हेल्थ जो है कॉस्ट कम करने के लिए काफी कुछ बड़ी राहत दे दी गई है। अब इश्यू जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ अ डेट। जो नोटिफिकेशन 31 मई को निकाला गया और कहा गया द नोटिफिकेशन विद द प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स, तो ऑब्वियसली MNC ने वगैरह ऑलरेडी जो इंपोर्ट किए थे डोनेशन के लिए उस पर IGST माफ नहीं होगा। अभी थर्ड वेव के कतार पर हम है, थर्ड वेव जबरदस्त आने वाली है। ऐसे सिचुएशन में यदि हमने इंपोर्ट को राहत नहीं दी तो ऑब्वियसली डोनेशंस कम हो जाएंगे। अभी इंडिया को सख्त जरूरत है डोनेशन की और इसी वजह से ये जो प्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन है उसको अभी रेट्रोस्पेक्टिव में बदलने की जरूरत है, ताकि MNCs को बेनिफिट हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए उनकी इंपोर्ट की और उसके आधार पर इंडिया को ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस मिल जाए। अब जो है 43rd मीटिंग में एक बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया गया, वो था कि भाई जो टैक्स का रिडक्शंस करने हैं अपने यहाँ पे जो प्रोड्यूस होते हैं कोविड रिलेटेड आइटम्स उसके ऊपर, इसलिए उन्होंने जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है तो तैयार कर लिया है और 7th जून 2021 जो है इसको उन्होंने ऑन द डेट द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड। ये मेंबर्स कौन थे? द चेयरमैन वॉज अखुनाड संगमा, CM ऑफ मेघालय। अदर मेंबर्स गुजरात डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार, गोवा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मॉविन गोदिन हो, केरला फाइनेंस मिनिस्टर KN बालगोपाल, ओडिशा फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी, तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्टर T हरीश राव, उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। अब ये जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तो बिठाया गया, इसके ऊपर कॉमेंट है। ये देखो इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है 43rd GST काउंसिल में हो गया ऑन द 28th मई, बराबर है। इन्होंने रिपोर्ट दिया 7th जून, है ना, और बाद में 44th जो काउंसिल है यानी जो 12 जून को हो गई तब जाके एक्सेप्ट कर दिया गया। अभी कोविड ये पैंडेमिक है, इट्स अ वॉर टाइम सिचुएशन, हमें वॉर फुटिंग पर वर्क करना है, यहाँ पे हमें इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए ड्यूलाइट इंडिया पार्टनर महेश जयसिंह कहता है कि वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। उदय शंकर प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की कहता है ना, क्या कहता है फिक्की? वो कहता है कि भाई एट दिस जंक्शन वी कैनॉट एफोर्ड टू लूज फॉर द टाइम। EY इंडिया टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन जो है, फर्दर वेट वुड बी डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कि ये जो कमिटी बनाई गई कोई इशू नहीं है, लेकिन वक्त जा रहा है भाई, GST ने अभी वॉर फुटिंग पर वर्क करना है ना, कमिटी बिठा के उसका रिकमेंडेशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त का तकाजा देखे गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए, GST काउंसिल ने काम करना चाहिए। तो ये इतना जो वक्त गया, इतना टाइम, इतने टाइम में जितने पेशेंट थे उनका लॉस हो गया, बराबर है। तो ये जो है ये गलत हो गया। चलो अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बन गया, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया और GST काउंसिल ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो अच्छी बात है। क्या क्या एक्सेप्टेंस हो गए चलो देख लेते हैं।
पहला ऐसा है कि टॉसिलीजुमाब जो था और एम्फोटेरिसिन बी जो ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए 5% था, अभी वो सीधा सीधा नील कर दिया गया है। बहुत अच्छा कर दिया गया है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी जो ड्रग्स है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कोविड रिलेटेड, उसके जो भी टैक्स रहेंगे अप्लीकेबल, वो भी नील हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया डिसीजन ले लिया है ने, गवर्नमेंट को भी पावर मिल गया है कि जब जब जरूरत लगे तब तब वो जो है ये ब्रैकेट में मेडिसिन जो है या कोई कीट है उसमें डाल दे। दूसरा यह है कि 12% जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जनरेटर्स, वेंटिलेटर्स, कोविड टेस्ट किट जो थी वो, साथ में एंटीकोएगुलेंट, हिपेरिन और रेमडिसिविर जो है, इस पर 12% बहुत ज़्यादा था, इसको 5% कर दिया गया। काफ़ी अच्छा राहत मिल गई, 5% हो गया। जो सैनिटाइजर वगैरह था, टेम्परेचर चेकअप करने के डिवाइसेस, फर्नेसेस ऑफ क्रिमेटोरियन, ये 18% था, ये भी काफ़ी कुछ कम कर दिया गया, 5% कर दिया गया। यानी ये मेडिसिन में, ये जो किट है इसमें काफ़ी कुछ राहत जो है जीएसटी काउंसिल ने पेशेंट्स को दे। दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया, एम्बुलेंस जो है उसके ऊपर 28% जीएसटी था, वो सीधा सीधा 12% कर दिया। बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। अब रहा वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन जो अभी कोर एरिया है पैंडेमिक कवर करने के लिए, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में प्रिवेंटिव आस्पेक्ट्स के लिए जो है, ये प्रिवेंटिव आस्पेक्ट के लिए वैक्सीन बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली है। ये 5% है, इसमें नो चेंज। वाई? दैट इज अ मेजर इशू, है ना? अब देखते आगे क्यों ने क्या किया करके, लेकिन इसके ऊपर कमेंट्स क्या है भाई। जीरो डिमांड तो थी, स्टेट्स कहते हैं अपोजिशन रूल स्टेट्स, उनकी डिमांड थी कि सब टैक्स जो है उसके कट्स कर दिया जाए, जितने भी कोविड रिलेटेड सप्लाईज है उसको। जो उदय शंकर है फिकी के प्रेसिडेंट, वो भी कहते हैं कि जीरो रेटिंग जो है 2 साल के लिए दे दिया जाए, है ना, 2 साल के लिए दे दिया जाए, क्यों? तो काफी कुछ बेनिफिट जो है वो पेशेंट को तो होगा ही होगा, साथ में बिजनेस कम्युनिटी को भी होगा, फ्यूचर जो है एस्पेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। जो जय संजय भूतानी जो है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनका भी यही कहना है कि जीरो रेटिंग एटलीस्ट फॉर कोविड मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स इसमें हो जाए, और साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट मिल जाए। अब सेंटर जो है वो क्यों नहीं कहना चाहती है, वैक्सीन पर क्यों नहीं देना चाहती है? तो सेंटर का दावा है कि सेंटर इज प्रोक्यूरिंग 75% ऑफ द वैक्सीन एंड पेइंग जीएसटी आल्सो, वो खुद पे करने वाले हैं विदाउट गिवन इम्पैक्ट ऑन द पीपल, यानी पीपल जो लोग हैं उनको तो फ्री मिलने वाले हैं। तो सेंटर कहते हैं कि हम तो मेजर बोझा हम उठा रहे, जीएसटी कलेक्शन जो भी होगा स्टेट को बेनिफिट हो जाएगा, स्टेट के बुरे हाल है अभी उनको फायदा हो जाएगा। और जीरो रेटिंग करने के लिए देर इज अ नीड टू रिक्वायर्ड अ लॉ, और लॉ बनाने का अभी समय नहीं है, और इसी वजह से हमने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। टैक्स एक्सपर्ट का क्या कहना है? टैक्स एक्सपर्ट यह कहते हैं कि भाई इसके वजह से जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का चेंज जो है ब्रेक हो जाएगा, बेनिफिट नहीं मिलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के, है ना? यानी कैसा? तो भाई एक मैन्युफैक्चरर जो होता है, ये मैन्युफैक्चरर ने जो रॉ मटेरियल लेके आया उसके ऊपर कोई जीएसटी जो दिया होगा, से एग्जांपल मैन्युफैक्चरर से उसने 1000 रुपए जो है वो पे कर दिया है मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल पर, उसमें पकड़ लो कि 100 रुपए का जीएसटी था। अब ये 1000 रुपए का जो है प्रोडक्ट बना दिया और उसने बेच दिया जो 1200 रुपए, यानी पकड़ लो कि उसके ऊपर कुछ और 100 रुपए का जो है जीएसटी लग दिया गया। अब ये 100 रुपए का जीएसटी लगा गया है और इधर भी 100 रुपए का जीएसटी लगा गया है, यहाँ पे 1200 रुपए में वो आ गया है, 1200 में वो ऐड हो गया है, यानी 200 रुपए यहाँ पे जीएसटी दिख रहा है, बराबर है। अब ये जब डीलर जो है, डीलर जब 1200 रुपए ये मैन्युफैक्चर को देगा, तो मैन्युफैक्चर जीएसटी जो है 200 रुपया गवर्नमेंट के पास भर देगा। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर डिमांड करेगा गवर्नमेंट को कि भाई ऑलरेडी मैंने 100 रुपया जीएसटी दे दिया था, इसमें फिर से ऐड हो गया है, मेरा जो 100 रुपया वो रिटर्न मिल जाए। तो ये 100 रुपया रिटर्न कब मिलेगा मैन्युफैक्चरर को? जब वो डीलर को बेचेगा और डीलर पर जो सेलिंग है उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर जो जीएसटी के साथ ऐड हो गया,
ये सब कॉस्ट जब वो पहुंचा देगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसका असेसमेंट करके उसको टैक्स जो है क्रेडिट दे देगा 100 रुपए का, तो 100 रुपए उसको रिटर्न मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट में ट्रांसफर नहीं करता ये 100 रुपए का जीएसटी, तो 100 रुपए का जीएसटी बच गया है, तो ये डीलर बाद में ट्रांसफर नहीं करता कंज्यूमर के पास, यानी कंज्यूमर को क्या हो जाता है, सस्ता मिल जाता है। तो टैक्स एक्सपर्ट का भी ये दावा है कि इसके वजह से जो है अल्टीमेटली जो है कॉस्ट जो है कि वैक्सीन की वो कम ही रहने वाली है। टैक्स रिबेट कर दिया गया है, सपोज टू बी जीरो टैक्स कर दिया गया है, तो जीरो टैक्स के वजह से मैन्युफैक्चरर को जो है टैक्स इनपुट क्रेडिट जो है वो मिलने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर कहाँ पे कर देगा, उतनी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट पर कर देगा, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। ओके, अब भाई माना चलेगा, ओके वैक्सीन के ऊपर कम करने से काफी कुछ असर गिरेगा, एक तो वैक्सीन महंगी हो जाएगी क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसमें ट्रांसफर कर देगा, या फिर टैक्स बेनिफिट मिल नहीं पाएंगे, टैक्स क्रेडिट का जो है मैन्युफैक्चरर को मिल नहीं पाएंगे, चलो माना, लेकिन फिर ये जो है 5% का नील कैसे कर दिया गया, ये तो नील कर दिया गया, बाकी भी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उसको भी तो नील कर दिया गया। तो नील करने से जब टैक्स क्रेडिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका लॉस होता है, तो यहाँ पे भी लॉस होगा भाई, तो ये क्यों कर दिया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ऐसा है कि देर इज अ नीड ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, तो फिर यहाँ पे कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है क्या, कि वैक्सीन के लिए ही जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने ये जो है कन्फ्यूजन्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, अभी ये समय नहीं है जो इस चीज, इस ढंग से कुछ डिसीजन जो है डिले करने का, अभी फास्ट डिसीजन लेना जरूरी है। वैक्सीन ये जो है, वैक्सीन अभी एक कोर रहने वाला है, और इसी वजह से वैक्सीन के कॉस्ट के ऊपर इमिडिएटली डिसीजन लेना सख्त जरूरी है। अब जो है टैक्स के बारे में यदि हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट दावा कर रहा है कि भाई टैक्स का प्रॉब्लम है क्योंकि पहले ही जो है शॉर्टफॉल है टैक्स का, ऑब्वियसली बिजनेस टुडे भी कहता है कि टैक्स का शॉर्टफॉल है, कोविड के वजह से जो है इकोनॉमी बुरे हालत में है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम हो गया है, बजेटेड जो था वो 24.23 लाख करोड़ था, मिला कितना तो 19 लाख करोड़ मिल गया है ना। जीएसटी कलेक्शन जो है वो अप्रैल में तो बढ़िया है, हायर हो गया है, लिए पिछले अप्रैल से इस अप्रैल में फायदेमंद रहा है, लेकिन बिजनेसमैन का कोई रिजल्टेंस जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो अप्रैल में तो अच्छा है, मई जून में जो है शायद टैक्स फिर से कम हो सकता है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। तो फ्यूचर में भी जो है गवर्नमेंट शॉक में रहेगा, तो भाई वो अपना जीएसटी कम करना नहीं चाहता, उसके भरोसे वो जो है अपनी सरकार चलाना चाहता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज अंडर द प्रेसिंग ऑफ हेवी डिफिसिट। अब भाई जो है कितना वैक्सीन से फायदा होगा वो तो इम्पोर्टेंट है सोचना है, जब वो बोल रहे कि वैक्सीन पर हम कम करना नहीं चाहते, अब 75% वैक्सीन कॉस्ट तो जो है सेंटर बियर करने वाला है, तो ये तो जस्ट बुक एडजस्टमेंट है, यदि जीएसटी वो पे करता है तो, है ना। और साथ में जो है 25% जो है उससे क्या मिलने वाला है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स परचेस करने वाले हैं, तो ये जो जीएसटी जो है कि भाई जीएसटी हमें आएगी वो बाद में हम स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये फिलहाल तो दलीलें कुछ लगने रही, लॉजिकल लगने रही। दूसरा हम सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो निकाले दोस्तों, कि सेविंग ऑफ अ लाइफ ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड जनरेटिंग जीएसटी रेवेन्यू, वेदर द रेवेन्यू इज एट दिस जंक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लाइफ ऑफ अ सिटीजन, तो ये हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी पॉलिसी मेकर्स ने करना चाहिए और प्रॉपर डिसीजन इमिडिएटली लेना बहुत जरूरी है। अब टाइमलाइन के बारे में देखते हैं, टाइमलाइन जो है इसकी 30 सितंबर कर दी गई है ना, बढ़ा दी गई है, एक्सटेंडेड कर दी गई है। स्टेट कहते हैं कि भाई और ज्यादा एक्सटेंड कर दो, बहुत जरूरी है, टैक्स एक्सपर्ट भी करते हैं कि और एक्सटेंड करने की जरूरत है। अब क्यों एक्सटेंशन की जरूरत है, टैक्स एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बिजनेसमैन जो है
ये यदि अभी डिक्लेयर कर दिया गया, एक लॉन्ग से एग्जाम्पल 2 ईयर्स के लिए डिक्लेयर कर दिया गया या एटलीस्ट 1 ईयर के लिए डिक्लेयर कर दिया गया, तो लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएगा और अपनी सप्लाई चेन को एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। अब देखो भाई, सितंबर डिक्लेयर कर दिया गया है और सितंबर यदि डिक्लेयर कर दिया गया तो बिजनेसमैन के लिए समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सोचेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट यदि हो गया, न्यू इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में हेल्प हो जाएगी और मेन जो है पेनेट्रेशन ऑफ सप्लाई, जो ग्रास रूट लेवल पर जाना चाहिए है ना, वो जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रिलीफ ऑफ GST टू द है ना दिस कोविड किट्स, ये कहते हैं कि एक GST इम्प्लीमेंटेशन कमिटी है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एंड विल डिसाइड। अब भाई ये बाद में डिसीजन ले लेंगे तो फिर बिजनेसमैन तो बाद में इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे तो फिर उतना समय कम हो जाएगा। बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म समय चाहिए, तो अभी ये जो है कमिटी डिसीजन लेंगी और उसके बाद सब होगा, ये डिलेइंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए है ना। अभी इमीडिएट GST काउंसिल ने तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फाइनलाइज कर देना चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म डेट यदि एक्सटेंड कर दी गई तो बिजनेसमैन को फायदा हो जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्ट करेगी और अल्टीमेटली इंडियन सिटीजन को बेहतरीन फायदा हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है GST का माहौल हमने देख लिया, GST की वजह से फायदा हो जाएगा, राहत मिल जाएगी। अब हम GST के परे जाते हैं, क्या पोजीशन है इंडिया की, वेयर द इंडिया इज। देखो तो कोविड इज अनअर्थ द रियलिटी ऑफ इंडियन पोजीशन, हेल्थ पॉलिसी डिफिसिट एंड डिवाइडेड इंडिया, क्या है ये। नीति आयोग, इंडिया ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर लो, सेज नीति आयोग मेंबर। नीति आयोग के मेंबर खुद कहते हैं, VK Paul जो है वो कहते हैं कि भाई ओवरऑल स्पेंडिंग जो है बहुत कम है, इट नीड टू बी करेक्टेड, जस्ट 1.5% ऑफ द GDP। आप सोच सकते हो कितने बुरे हाल इंडिया के। यूरोपियन कंट्री देखो 7-8% ऑफ GDP दे आर स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ। अब वो एक्चुअली उनका बजट भी बहुत बड़ा रहता है और उसका 7-8%, हमारा बजट एक तो कम रहता है और उसमें से 1.5% ऑफ द GDP। तो हम हेल्थ को देख रहे हैं या पूरा का पूरा निग्लेक्ट कर रहे हैं, वेदर हेल्थ इज अवर प्रायोरिटी और नॉट। दूसरा देखो ऑक्सफैम जो है, ऑक्सफैम भी जो है ये कहते हैं, ऑक्सफैम इज अ NGO, वर्ल्ड रिनाउंड NGO, इंडियाज हेल्थ बजट फोर्थ लोएस्ट इन द वर्ल्ड, फोर्थ लोएस्ट, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इसमें हम चले गए हैं, है ना। ऑक्सफैम कहती है कि भाई ये जो है हाफ ऑफ पॉपुलेशंस हैव है ना ओनली एक्सेस ऑफ इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, सिर्फ 50% लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बाकी के नहीं। 155th रैंक है हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स में। हम तो देखो नाइजीरिया बहरीन के साथ बिठा दिए गए भाई ऑक्सफैम में, नाइजीरिया बहरीन के हिसाब साथ में हमारा जो है कोविड आउटब्रेक हो गया है फास्ट लेवल पर और इनइक्वालिटीज बढ़ गई है, ऐसा ऑक्सफैम कहता है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, देखो पोजिशन ऑफ इंडिया 13th लोएस्ट इन द हेल्थ एक्सपेंडिचर, बहुत ही बुरे हाल है, 206 कंट्री में हमारी जो है सबसे आखिरी पोजिशंस है, लेस देन इवन एवरेज 5.1%, जो लो मिडल इनकम ग्रुप कंट्रीज के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने एक दायरा बना दिया, उससे भी कम है, यानी 1.5%, अब बहुत बुरे हाल है। जापान तो देखो, तो सोच ही नहीं सकते ना यार हम जापान, है ना 23.6% ऑफ द GDP। हमारे बगल के पड़ोसी देश जो हम पर डिपेंडेंट है बांग्लादेश और नेपाल 5% ऑफ द GDP, हम कहा है। इकोनॉमिक सर्वे भी क्या कहता है, देखो ओवरऑल इंडियाज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज फ्रॉम द 0.9% ऑफ GDP इन 2015-16 टू 1.1% ऑफ द GDP, है ना। 179th रैंक है हमारी प्रायोरिटाइजिंग देने में, हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज देने में हम देखो कितने पीछे, बहुत ही पीछे है ना, यानी हमारे प्रायोरिटी में है ही नहीं हेल्थ, यानी लोग ही नहीं है ऐसा पकड़ लो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है कि भाई 2025 तक एटलीस्ट हम 2.5% ऑफ GDP तो लेके आ जाए इसका हेल्थ एक्सपेंडिचर।
अब जो है इकोनॉमिक सर्वे और कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि इंडिया जो करंटली है 145th रैंक है, किसमें एक्सेस क्वालिटी एंड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, और 179th रैंक है प्रायोरिटाइजेशन, बहुत ही बुरे हाल है। साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर यदि अच्छा कर दिया, अप टू 3% यदि कर दिया गया, तो क्या बेनिफिट है? इट कैन रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो सबसे बड़ा इशू है हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यानी पब्लिक खुद के जेब से खर्चा करती है, जो 60% वर्ल्ड बैंक तो बहुत ज्यादा बताता है, और भी 60% जो करंट ले वो 30% तक आ जाएगा। यानी आप समझ सकती हो कि इंडिया में जो लोग गरीब हो रहे उसमें हेल्थ कॉस्ट का कितना बड़ा किरदार है, कितना बड़ा रोल है ना। अब ये जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का हेल्थ बर्डन जो है, ये सिर्फ गरीबों पर नहीं आ रहा है तो मिडिल क्लास पर भी आ रहा है, और मिडिल क्लास ये पॉवर्टी के ब्रैकेट में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। अब जो है बजट 2021 हेल्थ एंड वेलबींग बजट, इट इज कॉल्ड एज अ हेल्थ एंड वेलबींग बजट, है ना। इकोनॉमिक सर्वे का एक टाइटल था हेल्थ केयर टैक्स सेंटर स्टेज फाइनली, उसके आधार पर बजट है। बजट एम्फसाइज्ड अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ दैट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग थ्री एरियाज, प्रिवेंशन, क्यूरेटिव एंड वेलबींग। यानी गवर्नमेंट ने अभी पैंडेमिक से सीख ले ली और डिसीजन ले लिया कि बजट एलोकेशन हेल्थ केयर का बढ़ा जाए, तो 137% से राइज कर दिया गया, बढ़ाया गया फ्रॉम द लास्ट ईयर बजट। यानी डिसीजन पक्का ले लिया है कि अभी हेल्थ इज अ प्रायोरिटी एरिया। साथ में एक नई स्कीम डाल दी, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करने में अपना रोल निभाएगी। यानी गवर्नमेंट को समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो है सच में बजट जो है 2021 का, इसकी हेल्थ है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो एनालिस्ट सेज दैट द बजट स्टिल रिमेन्स एट अबाउट 0.34% ऑफ जीडीपी, अ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम द 0.31% लास्ट ईयर बजट एस्टिमेट। अब देखिए हमारे टारगेट जो है 2.5% ऑफ जीडीपी जो है वो अटेंड करना है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहता है कि ये साल जो है, ये यूनियन बजट जो है 2021-22, इसमें 0.68% ऑफ जीडीपी होना चाहिए था, लेकिन अभी है कितना, 0.34, यानी हाफ भी कवर नहीं हुआ है। यानी हमारा हेल्थ बजट का लगता है प्रिमा फेसी कि भाई बेहतरीन फोकस किया गया, हेल्थ वॉज अ प्रायोरिटाइज, लेकिन कंपेयर किया गया तो दिखता है कि अभी भी प्रायोरिटी में हेल्थ नहीं आई है डिस्पाइट ऑफ पैंडेमिक शॉक। अब दूसरा प्रॉब्लम है इंडिया का, इंडिया इज फुल ऑफ डिवाइड्स, बहुत बुरे हाल है। फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टेट्स एंड रीजन, अर्बन रूरल डिवाइड, रिच पुअर डिवाइड, अपर कास्ट लोअर कास्ट डिवाइड, मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिवाइड्स और मेल फीमेल डिवाइड। ये दोस्तों ये साइड के जितने भी लोग हैं ना, ये साइड के पूरे के पूरे जो है सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी, दे आर इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। जब भी कोई ये आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तब सबसे पहले ये लोग सफर होते हैं, अब कोविड के वजह से जो है किसका नुकसान हो रहा है, तो ये जो एरियाज है इनका नुकसान हो रहा है। फीमेल इज ऑल्सो निग्लेक्टिंग, बहुत सारे पोस्टर है देखो दोस्तों कि कोविड हो गया है और लेडीज को जो है बाहर में कहीं तो भी क्वारंटाइन कर दिया, घर में रखा नहीं है, इतने बुरे हाल है। तो हमारे इंडिया में जो है ये डिवाइड्स पैंडेमिक के वजह से और ज्यादा जो है ब्रॉडन होते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जो है विकास सेक्शन जो है दे आर बीइंग सफरिंग। देखो ऑक्सफैम क्या करता है कि इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड, मोस्ट वर्कर्स अर्न लेस देन हाफ ऑफ मिनिमम वेज। अब देखो ये कोविड कॉस्ट कैसे बियर करेंगे, 71% डू नॉट हैव अ रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कोई गारंटी नहीं है उनकी जॉब कब चली जाएगी। 54% जो है उनको पेड लीव नहीं मिलता, यानी कोविड हो गया है तो भाई 14-15 दिन घर में रह गए तो तब तक कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, दे आर इन द लॉस। ओनली 10% वर्कफोर्स हैविंग अ सेफ वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी है, यानी 90% ऑफ द वर्कफोर्स इज अंडर द थ्रेट, हम सोच सकते हैं कि इंडिया है कहां। दूसरा हेल्थ बर्डन देखो, वर्ल्ड बैंक 2015 के रिपोर्ट में क्या कहता है,
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 65.06%, है ना। इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पर फोकस किया है। रूरल एरिया जो है पॉपुलेशन 85.9% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 80.9% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव नो हेल्थ इंश्योरेंस। आप सोच सकते हो कोविड पैंडेमिक में इन लोगों के कितने बुरे हाल होंगे, मतलब उन्हें तो सब बेच बाज के बर्बाद ही होना है ना। देखो ये वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना 2017 में 69.32%, सो मच हैवी कॉस्ट इज बियरिंग बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द हेल्थ। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 क्या कहता है कि प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ। देखो सोचो है ना, फॉर द 70% ऑफ द हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज एंड 63% ऑफ हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज, यानी काफी बड़ा जो तत्ता है पॉपुलेशन का वो बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल के भरोसे, यानी कॉस्ट जबरदस्त जा रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है 58% हॉस्पिटल है इंडिया में। आप सोच सकते हो कि इन कॉमन मैन की कितनी लग जाती होंगी, कितने बुरे हाल होते होंगे। अब ये जो कंडीशन है दोस्तों, इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिफाइड गैप है इंडिया के हेल्थ की, कितने प्रेसिंग इश्यूज है। नटशेल में कुछ देख लेते हैं। ट्रू कॉस्ट, अटेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ कोविड, है ना। हमारे वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होना बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन की। तो पहले भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लेना चाहिए कि 5% जो टैक्स लगाया जा रहा है अभी वैक्सीन के ऊपर, उसके ऊपर तुरंत सोचा जाए। अब भाई हम तो अक्सर है ना पोलियो जो है हमने तो फ्री कर दिया। हमारा टारगेट है रहना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन, हर एक बंदे को मुफ्त में वैक्सीनेशन मिले। अब ये 25% जो है वैक्सीन जो है इस पर जीएसटी बैठने वाला है। अब ये 25% सच में क्या रईसों को मिलने वाला है? ऐसा नहीं है, है ना। पता चलता है रईसों ने जुगाड़ जमा लिया है और जो फ्री है वो जो जमा लिया है, और ये 25% जो है बेचारे पुअर लोग ले रहे हैं, यानी उनका बर्डन आ रहा है। अब गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि पब्लिक हेल्थ में जो है पब्लिक हेल्थ सेंटर में हम देंगे यानी गरीबों को देंगे। ऐसा कहीं लेके बैठेंगे क्या कि तेरे इकोनॉमिक कितनी है भाई, बता तेरा सर्टिफिकेट बता रहा इनकम का, उसके बाद मैं दूंगा, ऐसा कुछ है क्या? या राशन कार्ड लेके देंगे? ऐसा तो है नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि आरटी है ना, राइट टू एजुकेशन में देखो कितना बोगसगिरी चलती है। रिच लोग जो है वो कुछ जुगाड़ जमा के जो है फ्री में एडमिशन ले लेते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे भी हो सकता है, अल्टीमेटली सीधा सीधा हमारा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन के लिए एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करें। पेनेट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज है नहीं भाई, बहुत सारा जो है पॉपुलेशन आउट ऑफ कवरेज है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तुरंत कहे इट शैल बी कंपल्सरी, मतलब सभी कंपनी को कंपल्सरी कर दिया जाए, इसका ऑडिट हो जाए कि उनके वर्कर्स को मिल गया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके तुरंत जो है इनका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया जाए। रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल दैट इज अ मेजर इशू है ना। मयंक जो है उन्होंने बताया है 25 लाख तक खर्चा आ रहा है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल कितना लूट रहे दोस्तों, ये आप देख लो है ना। कुछ स्टेट्स ने रेगुलेशंस करने की कोशिश की, लेकिन हर एक स्टेट अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें कितनी जो है इंटेंसिटी रही है, कितना बेनिफिट हुआ है, कुछ डाटा नहीं है। इसमें एक प्रॉपर जो है सेंटर ने इनिशिएटिव लेना चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल पर काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेना चाहिए, काफ़ी कुछ लूट हो रही है ना, तो इसमें बचना बहुत जरूरी है। एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स में, अभी इनडायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में यानी मेडिकल कॉस्ट जो आती है, ये मेडिकल एक्सपेंसेस जो है इसका रिम्बर्समेंट में भी बेनिफिट्स मिलना बहुत जरूरी है, ताकि मिडिल क्लास को इसकी राहत मिल जाए, है ना। अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचा नहीं दोस्तों। अब एक मेजर इशू है वो है कि मिथ बस्टिंग का एक मेजर इशू चल रहा है। पब्लिक को कॉन्फिडेंस ही नहीं है वैक्सीन के पोटेंसी पर, है ना। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। पब्लिक सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट द डी पॉपुलेशन थ्योरी एक बहुत बड़ा मिथ जो है वर्ल्ड लेवल पर
चल रहा है डीपॉपुलेशन थ्योरी, इसी वजह से भी लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, है ना, डर रहे हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये वैक्सीन के थ्रू इम्पोटेंसी आएंगी, कैंसर होगा, लोग मरेंगे, है ना भाई। एक बहुत बड़ा प्लान है लोग जो वर्ल्ड की जो है पॉपुलेशन कम करने का। तो भाई अभी रिसेंटली जीनोम प्रोजेक्ट का एक सर्वे आया, डिस्कवरी आई है, कहते हैं कि 20,000 साल पहले जो है ना, 20,000 ईयर्स बिफोर, है ना, आज से जो है ये कोविड जो है आशिया, ईस्ट आशिया कंट्रीज जो थे, है ना, ये कंट्रीज में था, वहाँ के पॉपुलेशन में था, और काफ़ी साल तक ये चलता रहा और बाद में डिसिपेट हो गया। यानी भाई कोविड जो है, यानी कोरोना टाइप का जो स्ट्रेन है वो पहले भी था, तो उस वक्त तो डिपॉपुलेशन थ्योरी नहीं हो सकती, कोई माहौल नहीं पिट सकते, बराबर है। तो ये मिथ बस्टिंग है, ये दूर करने की जवाबदारी सरकार की भी है, साथ में एनजीओ को हाथ में लेके, प्राइवेट सेक्टर को हाथ में लेके, फिल्म स्टार को हाथ में लेके, पॉलिटिकल लीडर्स ने आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट, है ना, बाहर निकल के जो है आना चाहिए और पब्लिक को अवेयर करने की सख्त जरूरत है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों, हमने देखा है कि 2021 का जो बजट है उसने काफी कुछ फोकस करने की कोशिश की, एक नई स्कीम लाई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी गैप है। 2021 के बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सिर्फ 4% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो एलोकेट किया है। आप समझ सकते हो काफी छोटा जो पार्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दे दिया गया है, तो इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही जो है हमारा फ्यूचर शॉक्स जो है उसको सेफ कर सकती है। वायबिलिटी ऑफ अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बुरे हाल है, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में। आप देखो रूरल एरिया इन द सेंस कि जितने बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बीमारू स्टेट्स, बैकवर्ड स्टेट्स जो है बीमारू स्टेट, है ना, बीमारू स्टेट जो है बैकवर्ड स्टेट्स, बिहार जो है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है ना, उड़ीसा का कुछ पार्ट है, ये जो बीमारू स्टेट है इनका रूरल एरिया में तो बहुत बुरे हाल है। वहाँ का पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसकी वायबिलिटी आनी चाहिए, यानी हैबिटेबल होना चाहिए। साथ में इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल बनाने की सख्त जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली, है ना। इंटरनेशनल लेवल का कोऑर्डिनेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने बुहार लगानी चाहिए। अभी फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने G7 में काफ़ी कुछ जो है जोर से एम्फासाइज किया फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, है ना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीन हो, ना कि नेशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, है ना, ये काफ़ी कुछ बड़ा मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशन ने जो है इन्होंने भी कहा है कि भाई इंडिया ये सही कह रहा है, और G7 अभी जो है वो प्रेशर में है कि भाई तुरंत जो वैक्सीनेशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सलाइज होने के लिए हेल्प करें। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें कुछ मिसिंग लिंक है, वो मिसिंग लिंक फोकस करनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एलोकेशन है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक पॉलिसी ही डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और रूरल सेक्टर का पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है उस पर एम्फोसाइज करने की सख्त जरूरत। अब भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का विल है या नहीं, वेदर द सॉवरिन हैव अ विल और नॉट, दैट इज अ मेजर इशू। इफ द विल इज देयर, द वे इज देयर, है ना। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन, पोलियो का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन है, इसका भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन करने की सख्त जरूरत है। बजट जो है हेल्थ बजट वो सस्टेनेबल होना चाहिए। देखो अभी बढ़ा दिया गया ऐसे कहते हैं, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो हम अप टू द मार्क नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट को लेके बैठा है, तो गवर्नमेंट ने जो है ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना चाहिए। अभी नाउ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू फोकस ऑन दिस पैरामीटर्स, है ना, मेंटेनिंग द फिस्कल डेफिसिट विद इन द कंट्रोल एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी तो हमारे प्रायोरिटी जो है वो लोगों की जान बचाना है। सो दोस्तों, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नीड टू बिकम अबाउ दियर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म एंड फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ वेलफेयरिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। सेंटर ने अपनी बात नहीं करनी चाहिए, इट इज अ बिग ब्रदर,
सेंटर इज अ बिग ब्रदर, और उसने बड़ा दिल बताना चाहिए। स्टेट ने बार 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 है जो है बुहार लगानी नहीं चाहिए कि ऐसा करता है सेंटर, वैसा करता है। सेंटर ने कुछ डिसीजन लिए, बोल्ड डिसीजन लिए, तो स्टेट ने भी उसको सपोर्ट करने की सख्त जरूरत है। और दोनों ने मिलके जो है अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल का स्पिरिट कोर है वेलफेयरिज्म ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, है ना। और इसी वजह से टू अटेन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ वेलफेयरिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द इंडिया नीड टू रेज द कॉमन वॉइस एंड मस्ट एक्ट इन टैंडम। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो अस।